हमारा जो निरंकारी चौक ऐसे वर्बली फेमस था, आज उसका नामकरण हो गया बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के नाम से। और हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे बाबा जी खास करके दिल्ली से यहाँ आए उद्घाटन करने के लिए, उनका आभार हम मानते हैं। और हम बहुत ही भाग्यशाली है कि इनका दर्शन करने का भी मौका मिला। हम निरंकारी हॉल से काफ़ी सालों से बचपन से जुड़े हुए हैं। मनु भाई हमारे बाबा जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए, और इस दरबार से हम हमेशा जुड़े रहते हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। आज इस हॉल का, इस चौक का उद्घाटन हुआ, हम सब उसका कुमार एलानी हमारे मनोज जी जिन्होंने इसके लिए बहुत ही सारी मेहनत की नाम के लिए उसका, और पैनल नंबर 5 के हम जो भी नगर सेवक हैं हमारे भाई जमनू जी उनके सबके, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की फुल टीम है उनके सहयोग से आज इस चौक का उद्घाटन हुआ। हम सबका आभार मानते हैं, धन्यवाद। धन निरंकार, प्यार से बोलिए। आज मुझे दिल्ली से यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है कि आप शहरवासी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का इतना मान सत्कार करते हैं, और कैसे आपने जकारा भी यही लगाया, बोल सतगुरु बाबा हरदेव सिंह की जय। ये उन्हीं की 36 साल कोशिश थी कि हर मानव को मानव से प्यार हो, उन्होंने ये नारा दिया नर सेवा नारायण सेवा, उसी का आज ये हमें जीता जागता प्रमाण यहाँ मिल रहा है। और कैसे शहर के जो बड़े महापौर भी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कैसे अपने अदब से सतगुरु को याद किया, और दास इनका शुक्रगुजार है, इनका तहे दिल से इनको वेलकम भी करता है, और अपने आप को भी बड़ा सौभाग्य वशाली महसूस कर रहा है। बाकी आगे भी हमारा भवन इधर है, इन महापौरों ने इन्होंने सभी ने बहुत सेवा की है, और दास आशा करता है आगे भी इसका ध्यान रखेंगे, और इनकी ज़िंदगी में निरंकार सच्चा पाचा सारे सुख दे, तन करके मन करके धन करके, यही हमारे सतगुरु की सिखलाई है कि नर सेवा नारायण सेवा, उसका आज इन्होंने भव्य दिल से उद्घाटन भी किया। और मैं आशा करता हूँ ये जो नाम दिया इन्होंने सारे शहर में और बढ़ोतरी में जाए। धन निरंकार। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।